गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी करेक्टर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एज वी ऑलरेडी डन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो नाउ वी आर हैविंग सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। सम टाइम वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर फॉर द प्रॉपर्टीज। सो देखिए, सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन। दे कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम। जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, तो ये आपकी ना तो किसी मटेरियल की जरूरत पड़ती है इनको प्रोपेगेट करने के लिए, प्रोपेगेट मतलब चलना, और ना ही किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्लियर। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होगी फ्री स्पेस के अंदर। सो फ्री स्पेस के अंदर इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू सी इक्वल टू 1/√ ऑफ म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। और ये इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये करीबन आती है 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू नोट जो है वो है आपकी परमिबिलिटी फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की। अब अगर कोई मीडियम हो तो थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए, आपका कोई अगर मीडियम है तो उसमें क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज गिवन बाय, जो आपकी मीडियम में होगी जो म्यू नोट है म्यू से कन्वर्ट हो जाएगी और एप्सिलॉन नोट है एप्सिलॉन सिंपल इससे मीडियम से कन्वर्ट हो जाएगी परमिबिलिटी। तो वी इक्वल टू 1/√ ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन नोट, ये आपकी क्या है परमिबिलिटी किसकी, मीडियम की। उसके बाद है फोर्थ प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेल्फ सब्ट्रैक्टिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटर। जैसे कि आप जानते हैं, इस लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑसिलेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है, जनरेट, मतलब अपने आप एक वेव जनरेट होती है, जैसा कि मैंने आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में बताया था। उसके बाद है फिफ्थ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये क्या होती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं, और इसमें ट्रांसवर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विच कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ये आप ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन में आप क्या है पढ़ चुके हैं। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी है, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नोट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है और जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो सी इक्वल टू ई नोट बाय बी नोट। ई नोट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और बी नोट आपका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ये सब प्रॉपर्टी है, वन मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सेवन देखिए, अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी बनाती है, ठीक है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हम कर चुके हैं, तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी डेंसिटी भी होगी। तो बेटा, इसमें एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमने फाइंड आउट की, और जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी उसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, यू एवरेज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में था, और वो इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, बी नोट स्क्वायर अपॉन ट्यू वी नोट। ये दोनों डेरिवेशन हम प्रूफ कर चुके हैं ईएमआई और एसी के अंदर, ठीक है। ये जो पहली 1/2 एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना है। और ये जो बी नोट स्क्वायर अपॉन ट्यू वी नोट है, ये हम जो है मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि ये आपकी एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी होती है। अब इंटेंसिटी के लिए क्या है, एट्थ प्रॉपर्टी इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओब्लिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए, आपका इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओब्लिक मैग्नेटिक फील्ड। या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब उसकी कितनी पावर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट सी ई नोट स्क्वायर। ये सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेफिनेटली कोई ना कोई मोमेंटम होगा उसका रेडिएशन प्रेशर से। जो आपका रेडिएशन प्रेशर पड़ता है उससे कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होगा, और वो पी इक्वल टू 1/c के बराबर होगा आपका। ये छोटी सी डेरिवेशन कर रखी है, 1/8 dp/dt, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखोगे कि दे कैरी द मोमेंटम। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ठीक है, ये आपकी क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी।
और जिस रेट से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है पॉइंट एरिया उसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। कई बार वन मार्क की डेफिनेशन में आ जाता है द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वांटिटी कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, और ये एस वेक्टर होगा 1/ε(E)×B। आपको पता ही है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और ये 1/μ0 आपका एक कॉन्स्टेंट है और एस क्या है आपका पॉइंटिंग वेक्टर है। ठीक है, यूनिट क्या है, कई बार एमसीक्यू में यूनिट पूछी जा सकती है पॉइंटिंग वेक्टर की, वो होती है वोट पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है। उसके बाद है 11th प्रॉपर्टी द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज ए बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता है अगर आपको ये सब हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में कर चुके हैं, अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देंगे कोई स्पार्क प्रोड्यूस कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक रीजन बनता है प्रोड्यूस होने का। ठीक है, 12th प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। कई बार पूछ लेते हैं कि लाइट वेक्टर क्या होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं, और जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट, जितने भी लाइट के इफेक्ट है ऑप्टिकल इफेक्ट है उसी में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओसिलेट करता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको हम लाइट वेक्टर करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड एंड डायफ्रैक्टेड। अब रिफ्लेक्टेड का तो आपको मीनिंग पता है, रिफ्रैक्टेड का भी पता है, अब ये डायफ्रैक्टेड क्या चीज़ है, ये डायफ्रैक्टेड हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो अभी इसको सिर्फ आप लिख लीजिए। उसके बाद 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, अगर दो वेव आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है तो वो क्या बनता है इंटरफेरेंस, ये भी हम डीपली ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है 15 द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड, पोलराइज ये भी हम क्या पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। 16 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको पता ही है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में भी बताया था मैंने कि भाई अगर आपकी बिजली कड़क रही है तो वहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी और एक हम जनरेट कर रहे हैं, दोनों आपस में ओवरलैप होंगी तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ नई आवाज़ बनेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए आपके पास एक रीजन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ से अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। ये आपकी एक क्या है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो बेटा ये जितनी भी है देखिए 1 से स्टार्ट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारी प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको इसका जो पेज का जितना भी है आपका वो आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो से भी इसको पोज करके लिख सकते हैं। तो ये सारी करेक्टर हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इसको आप अच्छी तरह से क्या कीजिए लिख लीजिए। ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ से इक्वेशन आना पक्का है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि 100% यहाँ से इक्वेशन आएगा तो ये गलत नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने लाइट का स्पेक्ट्रम किया, जब लाइट को वाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपको 7 कलर दिखाई देते हैं, तो वो क्या हुआ लाइट का स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम अगर माइक्रोस्कोप से देखें या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से देखें बिल्कुल नज़दीक से देखा जाए उनको, तो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखेगा, और जो वो स्पेक्ट्रम है मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज दिखेंगी उनमें वेवलेंथ के साथ, फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, मतलब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको काफ़ी टाइप की अलग अलग तरीके की वेव दिखेंगी। और साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को ठीक है बिल्कुल सही साबित किया है। एक्चुअल में क्या था, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का मतलब है अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को देखा गया, तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की क्या है अलग अलग भी वेव हैं, जिनको उन्होंने एक सेट बना दिया। अगर हम उस पूरी अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में साइंटिस्ट ने 10 वेव्स को देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, या 8 वेव्स को देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, या 7 वेव को देखा अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, तो उनका एक सेट बना दिया, उस सेट को इन्होंने नाम क्या दिया स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो
जो स्पेक्ट्रम बना है वो किसका बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो देखिए डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, जितनी भी उन्हें फ्रीक्वेंसी रेंज डिफरेंट डिफरेंट देखी नजर आई उनको, उन्होंने या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। मतलब पहले कम फ्रीक्वेंसी, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इसी तरह वेवलेंथ का कर दिया उन्होंने। तो ये सारा का सारा जो था एक ऑर्डर बन गया, एक आपका सेट बन गया, जिसको क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए प्रैक्टिकली इस तरीके का होता है, देखिए आपको याद नहीं रखना इस तरीके का, कि बस प्रैक्टिकली देखना है कि इस तरीके का होता है। देखिए एक तरफ फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक तरफ वेवलेंथ रेंज है, ठीक है। देखिए नीचे से स्टार्ट हो जाए, 0 से स्टार्ट है, 10^0 से स्टार्ट है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, ऐसे करके 10^23 तक है। और यहाँ वेवलेंथ देखिए 10^7, 10^6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, फिर 1 आ जाता है, फिर 10^-1 आ जाती है, इस तरीके से 10^-14 तक है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट ये सब रिसर्च के बाद पता लगा कि देखिए नीचे देखिए लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं, फिर एएम रेडियो है, एएम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इसको लिख लीजिए, एएम स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये सारे रेडियो वेव की टाइप्स होती हैं। फिर टेलीविजन एफएम रेडियो, एफएम का मतलब है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव, एएम रेडियो और लॉन्ग डिस्ट रेडियो वेव, ये सभी रेडियो वेव्स होती हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइप है। उसके बाद माइक्रोवेव देखिए, ठीक है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ बता रहा हूँ, फिर इंफ्रारेड है, फिर विजिबल है, फिर वोयलेट है, फिर एक्सरे है, फिर गामा है। कुछ इसी तरीके से जब वाइट लाइट आपकी पास करती है प्रिज्म से, तो आपको 7 कलर दिखते हैं विबग्योर, तो वो भी तो एक अरेंजमेंट है, स्पेक्ट्रम है लाइट का। इसी तरीके से ये भी स्पेक्ट्रम है, जिसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम को पढ़ के हमने एक टेबल बनाई है, वो टेबल आपको एज इट इज याद रखनी है। डिस्कवरी याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, डिस्कवरी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको वेवलेंथ रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज याद करनी पड़ेगी। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आप इसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं, जिनकी वेवलेंथ रेंज होगी 0.3 मीटर टू 600 मीटर तक, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी रेंज होगी आपकी 500 किलोहर्ट्ज़ टू 1000 मेगाहर्ट्ज़, ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी भी याद रख सकते हो, मार्कोनी साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद देखिए माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर होती है कि उसकी वेवलेंथ रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 10^9 हर्ट्ज़ टू 10^12 हर्ट्ज़, क्लियर, ठीक है, ये भी मार्कोनी ने ही इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद आपका जो इंफ्रारेड वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ रेंज देखिए 1 मिलीमीटर टू 700 मिलीमीटर है, और फ्रीक्वेंसी रेंज है 10^11 हर्ट्ज़ टू 10^14 हर्ट्ज़ तक, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारी विजिबल लाइट है, जिसकी 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर है वेवलेंथ रेंज, और फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 × 10^14 हर्ट्ज़ टू 7 × 10^14 हर्ट्ज़, क्लियर। उसके बाद अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, 380 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर इसकी क्या है, वेवलेंथ है। देखिए वेवलेंथ काफ़ी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के आपका इन्वर्सली रिलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 10^14 हर्ट्ज़ टू 10^17 हर्ट्ज़। उसके बाद एक्सरे है, वो होगी आपकी 10^10 नैनोमीटर टू 10^-4 नैनोमीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 10^18 हर्ट्ज़ टू 10^20 हर्ट्ज़। उसके बाद आपकी गामा रेज, ये लास्ट रेज आपकी, वो 10^-10 मीटर टू 10^-14 मीटर फ्रीक्वेंसी रेंज है, और फिर सॉरी वेवलेंथ रेंज है, और फ्रीक्वेंसी रेंज है 10^18 हर्ट्ज़ टू 10^22 हर्ट्ज़। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर किसी की वेव की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप माइंड में रख सकते हैं। देखिए इसके बाद एक और चीज़ आती है, सोर्स प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कई बार आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी वेव का क्या सोर्स है, उसका प्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है और डिटेक्शन है, तो हमने लिख दिए हैं सारी की सारी वेव का। सबसे पहले रेडियो वेव, रेडियो वेव का बेसिक जो सोर्स है, देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ,
जो आपकी रेडियो वेव है इसका जो बेसिक सोर्स है ओसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल के ओसिलेशन करने से, जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ चुके हो। मेथड ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल एलसी सर्किट है, एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है। डिटेक्शन आपकी टेलीफोनिक या डायोड, डायोड एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी क्या करती हैं, डिटेक्ट करती है रेडियो वेव को। उसके बाद है माइक्रोवेव, ये आपका इन्वर्जन और रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए कैविटी, और जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है गन डायोड और मैग्नेटोन और क्रिस्टलोन, ठीक है, और डिटेक्शन है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड और वेव गाइड ट्यूब्स। ये आपको सभी को लिख कर याद रखने हैं। ये जिनकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे गन डायोड है ये एक पावर सप्लाई होती है, क्रिस्टलोन है और मैग्नेटोन है ये पैरा मैग्नेटिक एम्पलीफाइंग डिवाइस होते हैं आपके, ठीक है, एम्पलीफाइंग मतलब एम्पलीट्यूड को इनक्रीज करना। तो ये सारी आप जो डीप स्टडी है वो आप ट्वेल्थ के बाद हायर स्टडी में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर क्या है इनका आइडिया है बेसिक। उसके बाद है इंफ्रा रेड वेव, देखिए जो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आईआर जो वो यही है, वाइब्रेशन ऑफ एटम और मोलिक्यूल से बनती हैं, ठीक है, हीटर्स या हॉट बॉडी से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोलोमीटर, इंफ्रा रेड, फोटो फिल्म या थर्मोपाइल, इससे आप इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी नाम याद रखने हैं, कई बार एमसीक्यू में आपके डायरेक्ट नाम भी आ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। विजिबल लाइट है, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में जंप करने से, फिलामेंट लैम्प, फ्लेम, सन, इनसे आप जनरेट कर सकते हैं। आई आपका एक सेंसर होता है जो विजिबल लाइट को क्या करता है, सेंस करता है, फोटो सेल या फोटो फिल्म से भी कर सकते हैं। उसके बाद यूवी रेज है, यूवी कौन से, अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल में जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, कार्बन आर्क, डिस्चार्ज ट्यूब या सन से मिलती है। सन से आपकी तीन प्रकार की रे निकलती है, आईआर, यूवी और विजिबल। तो यूवी भी आपकी बेसिक सोर्स आपका क्या है, यूवी का क्या है, सन है। फोटो सेल्स, फ्लोरोस्क्रीन और फोटो फिल्म से जनरेट कर सकते हैं। फिर एक्सरे है, एक्सरे का जो आपका बेसिक सोर्स है वो क्या है आपका, एक्सरे का बबार्डिंग टारगेट विद वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सरे ट्यूब, ठीक है, ये आप सारी की सारी डिटेक्शन की भी इसमें याद कर सकते हैं। इस तरह गामा रेज है, रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिव एलिमेंट साइक्लोट्रॉन और गीगा ट्यूब। ये मतलब आपको एज इट इज बेटा, ये टेबल जो है सारी की सारी, ये जो टेबल है आपकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेबल आपको एज इट इज ही याद रखनी है। पहले अपनी नोटबुक में बना लीजिए टेबल, उसके बाद आपको क्या करनी है इसको याद है। अब इन वेव्स के सिर्फ आपके एक चीज़ बची है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम रेडियो वेव का यूज़ कर लेते हैं। तो रेडियो वेव जनरली आपकी एक बात याद रखिए कि जितने भी टीवी सिग्नल्स हैं, रेडियो एफएम हैं, देखिए रेडियो वेव्स आर मेनली यूज इन द रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो वेव आर क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरी, ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ रेडियो वेव का यूज़ याद रखना है। देखिए यूज़ क्या होगा आपका, रेडियो वेव को याद रखिए आप रेडियो से, ठीक है, और रेडियो का थोड़ा सा ऊपर का जो मतलब क्या एक्सटेंशन क्या है, टेलीविजन। तो रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन किससे होते हैं आपके, रेडियो वेव से होते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव आप जैसे ही पता है आपको माइक्रोवेव के यूज़ देखिए, ये माइक्रोवेव के यूज़ बता रहा हूँ मैं। एक तो माइक्रोवेव आर यूज इन रडार सिस्टम, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये कि वाई द माइक्रोवेव आर यूज इन द रडार सिस्टम, बिकॉज दे आर हैविंग द हाई फ्रिक्वेंसी। उसके बाद दे आर यूज फॉर एटॉमिक एंड मोलिकुलर रिसर्च, एटॉमिक मोलिकुलर रिसर्च में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज इन द माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय सेलुलर फोन, और माइक्रोवेव आर यूज इन द वेदर रडार, मतलब रडार में, माइक्रोवेव ओवंस में, सभी जगह आप क्या करोगे आपकी माइक्रोवेव। उसके बाद इंफ्रा रेड वेव आईआर के यूजेज है, आईआर के यूज बहुत ज़्यादा है। देखिए आईआर जो है आपका हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो दीज वेव कैन पास थ्रू द हेज, फोग एंड मिस्ट, सो दे आर यूज इन द नाइट विजन डिवाइस ड्यूरिंग द, ठीक है, तो और ये नाइट विजन डिवाइस में यूज होती है क्योंकि ये पास कर जाती है। दे वेव आर यूज टू फंक्शन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के फंक्शन में काम आती है। दे आर यूज इन द रिवेलिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंसेंट वॉल, देखिए जो आपकी सीक्रेट राइटिंग होती है, ठीक है, वो भी आपकी आईआर से, ये भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, देखिए जिसके आपके मस्कुलर स्ट्रेन है उसमें एक आईआर का लैम्प आता है, वो उसके नज़दीक लगा देते हैं जिससे उसको हीट मिलती है, हीट मिलने के बाद उसका जो आपका पेन है वो आपका कम हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट?
बाद है विजिबल रेज के यूज। विजिबल लाइट जो है वो आपकी ह्यूमन बॉडी उसको सेंस करती है। तो देखिए सबसे बड़ा यूज़ तो यही है। फिर फोटोग्राफी में यूज होता है, माइक्रोस्कोपी में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, ठीक है। जो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन बीइंग का, वो भी आपका ये है क्या आपका, ये अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है आपका ये, कौन सा, जो विजिबल लाइट है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज आपका, आपने देखा होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आपका प्रिजर्वेटिव फूड, जो फूड को प्रिजर्वेट करता है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया रेज। आपने देखा होगा जितने भी आपके घरों में जो आपके जो वाटर प्यूरीफायर है उसमें आपका आजकल यूवी रेज का प्यूरीफायर हम यूज़ करने लग गए। उसके बाद देखिए दे आर यूज फॉर सेटलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सेटलाइजिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। दे आर यूज इन द डिटेक्टिंग द अनविजिबल राइटिंग। देखिए जो अनविजिबल राइटिंग होती है, या फिर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, या फिंगरप्रिंट्स है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया फिंगरप्रिंट्स वाला, इसमें आपका यूज़ कौन सा होता है, यूवी रेज। दे आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यूवी रेज आर यूज इन द LASI, के इसकी फुल फॉर्म आती है लेजर असिस्टेड इन द साइट कैरोमिलियस, जो आई सर्जरी में यूज होता है आपका ये मेनली सिंपल। उसके बाद एक्सरे है, एक्सरे का यूज आपको पता ही है। एक तो एक्सरे मेडिकल डायनोस के लिए, स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, कैंसर ट्यूमर को ठीक करने के लिए, ठीक है। गोल्ड सिल्वर डायमंड अदरवाइज इन इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये एक्सरे का यूज है। उसके बाद गामा रेज है, दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दे आर यूज टू एग्जामिन द थिक मटेरियल फॉर द स्ट्रक्चरल फ्लो। दे आर यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन। दे आर यूज टू गेट द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटोमिक न्यूक्लियाई। तो ये सारे के सारे आपको यूजेज हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, आपको यूजेज सिर्फ याद रखने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।